जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे विपक्षी दलों की बैठक से पहले कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऐलान। कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगा। तो वहीं ईवीएम मशीन और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा ईडी का विरोधी पार्टियों को तोड़ने और डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल। तो उधर अपने ही बयानों में उलझ गई सीमा हैदर। सचिन के घर पर पहुंची नोएडा पुलिस। तो वहीं 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए आज से दो दिनों का मंथन। बीजेपी के खिलाफ 26 पार्टियां दिखाएंगी विपक्ष का दमा। तो उधर विपक्षी दलों की बैठक पर आक्रामक हुए बाबूलाल मरांडी, बोले ये गर्दन बचाओ अभियान है। तो वहीं फिर से आएगी तबाही। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का जारी किया गया अलर्ट। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक से पहले कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता की कवायद अब काफी तेज होती जा रही है। महागठबंधन बनाने की कोशिशों के लिए विपक्षी नेताओं की दूसरी बड़ी बैठक आज से बेंगलुरु में हो रही है। आज विपक्षी नेता डिनर पर जुटेंगे। विपक्षी बैठक से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। और बड़ी खबर, ईवीएम मशीन पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। ईवीएम और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका की तरफ से प्रशांत भूषण ने कहा कि वोटों की गिनती के दौरान ईवीएम मशीन में कई जगहों पर शिकायतें आ रही हैं, इसीलिए सभी ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट लगाई जानी चाहिए। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट आगामी राज्य चुनावों में सभी ईवीएम मशीन में वीवीपैट से गिनती करने की याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया है और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी चुनाव आयोग के वकील को देने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ईडी का विरोधी पार्टियों को तोड़ने और डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुड़ी और उनके करीबियों के ठिकानों पर आज सुबह से ईडी की छापेमारी को परेशान करने वाली कार्रवाई करार दिया। उन्होंने ये बयान उस समय दिया जब बेंगलुरु में विपक्षी एकता को लेकर विरोधी पार्टियों के नेताओं की 2 दिवसीय बैठक जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिए बगैर तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पर ईडी के छापे की कार्यवाही की कड़ी निंदा की। साथ ही यह भी कहा कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल विरोधी पार्टियों को तोड़ने और डराने के लिए कर रही है। अगली बड़ी खबर, अपने ही बयानों में उलझ गई सीमा हैदर। सचिन के घर पर पहुंची नोएडा पुलिस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर जब से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में आई है वो सुर्खियों में तो है ही, साथ ही पुलिस भी उस पर कड़ी नजर रख रही है। सीमा हैदर के सोशल मीडिया पर और मीडिया के सामने आए बयानों के बाद एक बार फिर पुलिस को उसके दिए गए बयान पर विरोधाभास नजर आने लगा है। यही वजह है कि रविवार को अचानक नोएडा पुलिस रबुपुरा में सचिन के घर पर पहुंच गई। पुलिस सचिन और सीमा हैदर के घर पर पहुंची तो मोहल्ले के लोग भी हैरान हो गए। पहले पुलिस के कहने के बाद भी सचिन मीणा के परिवार ने दरवाजा नहीं खोला और पुलिस को बाहर इंतजार करना पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस अंदर दाखिल हो गई। पुलिस ने तकरीबन 1 घंटे सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ की। ये पूछताछ उन बिंदुओं पर थी जिन पर पुलिस को शक नजर आ रहा है। यही वजह है कि सीमा हैदर से ग्रेटर नोएडा पुलिस लगातार पूछताछ जारी रखना चाहती है। अब सवाल यही है कि क्या सीमा हैदर ने जो बयान अब तक ग्रेटर नोएडा पुलिस को दिया था उसमें सीमा हैदर ने झूठ बोलकर पुलिस को बरगलाने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि सीमा हैदर पिछले 10 दिनों में तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों के सामने ऐसे बयान दे चुकी है जिनमें काफी विरोधाभास नजर आने लगा है। नोएडा पुलिस सीमा के एक बयान को लेकर काफी गंभीर रही, क्योंकि यह मामला भारत और पाकिस्तान से जुड़ा है, इसीलिए ना तो पुलिस और ना ही सुरक्षा एजेंसियां इसमें कोई रिस्क लेना चाहती हैं। इसी वजह से ग्रेटर नोएडा पुलिस रबुपुरा पहुंची और एक बार फिर सीमा हैदर की गिरफ्तारी के वक्त दिए गए बयानों की जांच की। हालांकि
सेना की परिवार ने पुलिस के वापस जाते ही दरवाजा बंद कर लिया ताकि सीमा हैदरा मीडिया के सामने न आ सके। और बड़ी खबर 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए आज से बेंगलुरु में दो दिनों का मंथना। बीजेपी के खिलाफ 26 पार्टियां दिखाएंगी विपक्ष का दम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के उद्देश्य से विपक्षी दलों की दूसरी बड़ी बैठक आज से बेंगलुरु में हो रही है। इस बार बैठक की अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार विपक्षी दलों की बैठक में कम से कम 26 पार्टियों के नेता मिशन 2024 के लिए माहौल बना रहे हैं। विपक्षी दलों की इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हो रही हैं। पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरी बड़ी मीटिंग हो रही है। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 26 पार्टियां अपना दम दिखाएंगी। और बड़ी खबर विपक्षी दलों की बैठक पर आक्रामक हुए बाबूलाल मरांडी, बोले ये गर्दन बचाओ अभियान है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल आज से कर्नाटक के बेंगलुरु में दूसरी बैठक कर रहे हैं। ये बैठक कांग्रेस द्वारा बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी प्रमुख और छोटे विपक्षी दलों को बेंगलुरु की बैठक में भाग लेने और बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा दिखाने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं इस बैठक से पहले झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी एक मामले में जमानत पर हैं और दूसरे में सजा याफ्ता हैं। हेमंत सोरेन झारखंड में लूटखंड के संस्थापक हैं, बेहिसाब जमीन जायदाद के मालिक हैं और जांच एजेंसियों की रडार पर कभी भी जेल जा सकते हैं। तो वहीं लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं और लैंडफॉर्ड जॉब में चार्जशीटेड हैं। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी शिक्षक भर्ती और कोयला घोटाले में जांच का सामना कर रहे हैं। तो वहीं केजरीवाल के मंत्री जेल में हैं और उप मुख्यमंत्री अरबों रुपए के शराब घोटाले में जेल में बंद जमानत के लिए तरस रहे हैं। एमके स्टालिन के मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आखिर ये लोकतंत्र बचाओ है या फिर गर्दन बचाओ अभियान है। और ये बड़ी खबर फिर से मचेगी तबाही, यूपी उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का जारी किया गया अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कहीं काफी लंबे समय से मानसून एक्टिव होने के बावजूद भी बारिश की कमी नजर आ रही है। वहीं इस बीच IMD ने जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून का एक और एक्टिव फेज इस सप्ताह से शुरू हो सकता है। इसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें बाढ़ग्रस्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड सहित अन्य राज्यों में अनुमानित भारी बारिश की कड़ी चेतावनी दी गई है। जिन क्षेत्रों में बारिश की कमी नजर आ रही है वहां भी अच्छी बारिश होने की संभावना है और उत्तर भारत में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। इस सप्ताह कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तरी उड़ीसा और उससे सटे गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि उड़ीसा के विभिन्न जिलों में आज 24 घंटे तक भारी बारिश होगी। और ये बड़ी खबर बिहार के 19 जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। मध्य प्रदेश में भी गरज चमक के साथ हो सकती है भारी बारिश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पटना मौसम विभाग की ओर से सोमवार को 19 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। राजधानी पटना समेत 19 जिलों में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें कि इसके अलावा मध्य प्रदेश के 9 जिलों में भी आज अति बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा कि इस दौरान 24 घंटे में 8 इंच बारिश की संभावना ताई है, जबकि मध्य प्रदेश के 23 जिलों में आज बारिश से राहत मिलेगी, जबकि कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली भी गिरेगी। और बड़ी खबर दिल्ली वालों की एक बार फिर से बड़ी मुसीबत, यमुना में लगातार बढ़ रहा पानी। असम में भी बाढ़ की स्थिति से 1,00,000 लोग प्रभावित, 371 गांव में घुसा पानी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली वालों की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ने लगी है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। पिछले 2 दिनों से जल स्तर में कमी रिकॉर्ड की जा रही थी, लेकिन अब अचानक इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके बाद अब राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सेना, नेवी, NDRF, SDRF और तमाम सरकारी एजेंसियां स्थिति से निपटने में जुटी हैं, लेकिन अब एक बार फिर जल स्तर के बढ़ने से परेशानी और बढ़ सकती है। इसके अलावा असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 10 जिलों में लगभग 1,00,000 लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। यहां पर बाढ़ के कारण सैकड़ों गांव डूब गए हैं। लोगों के पास में रहने को घर नहीं है और पेट भरने के लिए खाना तक नहीं मिल पा रहा।
अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिला लिया हाथा। राघव चड्ढा बोले, बीजेपी की उड़ गई नींद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार का समर्थन कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो केंद्र के इस अध्यादेश को समर्थन नहीं करेगी। वहीं अब कांग्रेस पार्टी के इस फैसले का आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने स्वागत किया है। राघव चड्ढा ने कहा कि विपक्षी दल केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए एक साथ आ गए हैं, ये एक महत्वपूर्ण विकास है। उन्होंने कहा कि ये जो कुनबा बना है उसे देखकर आज बीजेपी को नींद नहीं आ रही है, बीजेपी डर गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 में वापस नहीं आएंगे क्योंकि देश के लोगों ने बीजेपी को हराने का मन बना लिया है। अगली बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले 2024 में मोदी सरकार गद्दी छोड़ देगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी पर हमला करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार महागठबंधन में हैं और ये सब बड़े नेता हैं। कुछ दिन पहले पटना में बैठक हुई थी, बीजेपी के लोग तिलमिला गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूं कि 2024 में केंद्र सरकार गद्दी छोड़ देगी। हम छात्र आरजेडी के लोग मजबूती प्रदान करेंगे और इसको बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सभी जगहों पर छात्र आरजेडी को मजबूत करने का काम करेंगे। तेज प्रताप यादव ने भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 में केंद्र सरकार गद्दी छोड़ देगी। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की हंगामेदार हुई शुरुआत। भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। इस दौरान पिछले कुछ महीनों में हुए लोक प्रतिनिधियों के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। सभी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। इसके बाद सदन में कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा जिसके बाद विधानसभा का कामकाज दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कांग्रेस विधायकों को जवाब दिया। दरअसल कांग्रेस विधायकों ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और सरकार ने अब तक कोई भी आर्थिक मदद देने का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जानी चाहिए। तो कांग्रेस विधायकों के आरोपों पर हंगामे के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कहा कि किसानों को हो रही परेशानी की जानकारी सरकार को है, हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के जवाब से भी कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं दिखे और इस मामले पर चर्चा की मांग करने लगे और जमकर हंगामा करने लगे। हंगामे को देखते हुए विधानसभा सत्र को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, विपक्ष की बैठक के लिए जुटने लगे नेता। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे बेंगलुरु। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी दो दिवसीय संयुक्त विपक्ष की बैठक के लिए बेंगलुरु पहुंच गई हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बेंगलुरु पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि दो तिहाई आबादी बीजेपी को हराने जा रही है, मुझे उम्मीद है कि देश की जनता बीजेपी को करारी शिकस्त देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे हर तरफ से इनपुट मिल रहे हैं कि देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से ही बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।